नमस्कार। देश एक बार फिर से सहम गया है क्योंकि देश की बेटियां देश में ही सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो समाज में दुष्ट लोग हैं उनको कब पढ़ाया जाएगा उन्हीं की भाषा में? इस सवाल का जवाब आज भी सभी को चाहिए। इससे पहले कि आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में मैं आपको बताऊं, आइए अपडेट करवा देता हूं आपको आज की कुछ अन्य जरूरी खबरों से। आप देख रहे हैं राष्ट्र दरबार शुभम मिश्रा के साथ। ICMR के हाल ही में जारी सीरो सर्वे के मुताबिक देश में अगस्त महीने तक ही 15 में से एक व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो चुका था। किसान बिल में हुए संशोधन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा विपक्ष किसानों के अंदर डर का माहौल पैदा कर रहा है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद भोपाल IPS अधिकारी को किया गया निलंबित। इन खबरों के साथ आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के बारे में। बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और अब हाथरस, ये सभी उत्तर प्रदेश में उन जगहों के नाम हैं जहां पर हाल ही में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्मों ने इंसानियत को ना जाने कितनी बार मार दिया है। क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? कहां है योगी सरकार का एंटी रोमियो स्क्वाड? कहां है योगी सरकार का वादा 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने वाला? ये सब वादे आज एक बार फिर से वादे ही लग रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत तो हम सभी के सामने न्याय की भीख मांगते मांगते दम तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस क्षेत्र के एक गांव में एक 19 साल की लड़की के साथ 4 लोगों के दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जिसके बाद पीड़िता को शुरुआत में 15 दिन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जीभ काट दी गई थी और शरीर में अन्य गंभीर चोटों के बीच रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से चोट पहुंची थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल जाने से पहले उस लड़की को इलाज के लिए अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने कहा कि पीड़िता को उसके गांव के खेत में दरिंदों द्वारा खींच लिया गया था और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। दरिंदों ने सारी हदों को पार करते हुए उस लड़की के दुपट्टे से उसका ही गला घोट दिया। पीड़िता की हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर पीड़िता लड़की ने अपने जीवन की अंतिम सांसें मंगलवार 29 सितंबर को ली। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लड़की के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले गई। यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि लड़की के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने का अधिकार क्या उसके घर वालों को नहीं है, क्योंकि लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आधी रात में जबरन लड़की के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ले गई। क्या है ऐसा जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी जल्दबाजी में निपटाना चाहती है? क्योंकि सवाल यहाँ पर अब यह भी उठ रहा है। इस मामले में पुलिस की तरफ से संदीप, उसके चाचा रवि और उसके दोस्त लवकुश को, इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जैसे ही पीड़िता के मरने की खबर सामने आई, राजधानी दिल्ली में कई लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किए, तो वहीं कई राजनेता, खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए न्याय की मांग भी की है। अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा कि गुस्से में और निराश हूँ, हाथरस गैंगरेप में ऐसी क्रूरता कब रुकेगी? हमारा कानून इतना सख्त होना चाहिए कि सजा के बारे में सोचते ही बलात्कारी डर के मारे थरथरा जाएं। दोषियों को फांसी दो, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए और आवाज उठाओ। कम से कम हम यह तो कर ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर भी बात की, जिसके बाद इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस बात को मानने के लिए हाल ही में हुई दिल दहला देने वाली घटनाओं से बढ़कर और क्या ही सबूत हो सकता है।
एनसीआरबी के 2019 में जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोजाना 11 बलात्कार मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी के साथ 2016 से 2019 तक प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ हाथरस घटना से जुड़ी राष्ट्र दरबार की इस खास रिपोर्ट में शुभम मिश्रा के साथ इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मीडिया दरबार के साथ, क्योंकि हम आपको देते हैं दमदार खबर हर बार। धन्यवाद।